गांधी जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सरकारी विभागों और विद्यालयों में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान सभी ने झंडारोहण किया और महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया, जिसमें सरकारी विभाग के सरयू नहर खंड और निबंधक कार्यालय भवन, अयोध्या कार्यालय, संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय एवं विद्यालय माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज में धूमधाम से मनाई गई। गांधी जी जयंती इस अवसर पर गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में बताया गया और कहा कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का देश की आजादी में बहुत योगदान रहा है। जयंती के अवसर पर मिठाई वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। गांधी जी की जयंती के अवसर पर श्री निरंजन कुमार, उप महानिरीक्षक निबंधन अयोध्या मंडल और सदर अयोध्या के उप निबंधक शांति भूषण चौबे ने सभी देश प्रदेश क्षेत्र वासियों को बधाई दिया। हम लोगों का वेल डिफाइंड कार्यक्रम होता है, आज सरकारी भवन है, इस पे तो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा फहराया गया है और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया गया, रामधुन गाया गया है और गांधी जी और शास्त्री जी के बताए हुए रास्तों पे चलने का एक जो रिजॉल्व होता है वो सब लोगों ने लिया है। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। इसके अवसर पर हमारे कार्यालय के समस्त कर्मचारी अधिकारी सब आए, ध्वजारोहण किया गया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उसके बाद हम लोगों ने माल्यार्पण किया उनके और उनको याद किया, उनके महापुरुषों के कार्यों को याद किया, उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लिया। देखिए, आज हमारा पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है, इसी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस आज मनाया जा रहा है। गांधी जी असहयोग आंदोलन के जनक थे और उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और उन्हीं के मार्ग चल के हमारा देश आज़ाद हुआ। उनका भी योगदान है, जो गर्म दल के थे उनका भी सहयोग है। ऐसा नहीं है कि नरम दल से ही हमारे देश को स्वतंत्रता आज़ादी मिली, लेकिन इनके महान कार्यों और जो देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसी लिए आज हम सभी लोग पूरा भारतवर्ष गांधी जयंती पूरे हर्षोल्लास साथ मनाया जा रहा है। कार्यालय में झंडारोहण हुआ, खेलकूद प्रतियोगिताएँ हुई और ये पोस्टर रंगोली ये सब प्रतियोगिताएँ की गई। बच्चे भी मना भी रहे हैं, प्रतियोगिताएँ भी चल भी रही हैं और बच्चों को मिष्ठान वितरण हुआ। और हम पूरे देश से ये निवेदन करेंगे और आग्रह करेंगे, हमारा भाईचारा हमेशा बना रहे, हमारा देश हमेशा अछूण रहे। जिस तरह हम आजकल देख रहे हैं विदेश में, देखिए तमाम देश आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ भाईचारा नष्ट हो रहा है, हमारे पड़ोसी देशों में भी भाईचारा नष्ट हो रहा है। लेकिन हमारा देश, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और अपने भारतवर्ष के सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे कि सभी लोग मिल करके करके रहें और अपना देश पुनः एक बार विश्वगुरु बने, जैसे सुनने के लिए पहले कहा जाता था पुनः कहा जाए। मैं धर्मेंद्र पाठक, प्रधान आचार्य।